हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय कोफेडिक चैनल। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये आ रही है, जब भी दोस्तों फेसबुक पे आप लोग किसी को मैसेज कर रहे हो तो देखिए यहाँ पर मैसेज कुल नॉट बी सेंट इस तरह से लिख के आ रहा है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम मुझे कल आ रही थी, कल मैं कुछ यहाँ पर मेरे फ्रेंड के साथ चैट कर रहा था तभी मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ चुका कि ये आपका मैसेज नहीं जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा मैसेज करते हैं या फिर ज़्यादा चैट करते टाइम कभी कभी हो जाता है प्रॉब्लम। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व कर दें, किस तरह से इसे सॉल्व करना है। चलिए फेसबुक का मैसेंजर पर जो भी मैसेज जाता है वो स्टॉप हो चुका है, किस तरह से इसे हम लोग सही करेंगे चलिए देखते हैं। पहले इसे हटा देता हूँ मैं, और चलिए यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। सिंपल दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल के सेटिंग के अंदर चले जाना है। यहाँ से मोबाइल के सेटिंग के अंदर जैसे ही जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको ऐप्स ऑप्शन देखना है, कहाँ पर ऐप्स ऑप्शन देखना है, यहाँ पर ऐप्स ऑप्शन। और सिंपल दोस्तों इसे क्या करना है, ओपन करके ले लेना है, और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऐप मैनेजमेंट का। तो सिंपल क्या करना है, ऐप मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करके ले लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपको फेसबुक देखना है, फेसबुक का एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पर सारे एप्लीकेशन दिखाई देंगे, तो फेसबुक देखना है आपको। अगर दोस्तों इस तरीके से सेटिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है, मतलब ज़्यादा अंदर आना पड़ रहा है, तो मैं बाहर शॉर्टकट से एक बता देता हूँ सेटिंग। देखिए यहाँ से फेसबुक के ऊपर जो फेसबुक का एप्लीकेशन है उसके ऊपर क्लिक करके रखना है कुछ सेकंड, और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन एक आ चुका है ऐप इन्फो का। तो सिंपल हमें क्या करना है, इसको ओपन करके ले लेना है। चलिए ओपन कर दें। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जो डेटा यूज़ का ऑप्शन है उसे ओपन करके ले लेना है। यहाँ पर डेटा यूज़ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूँगा। और यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, आपका बैकग्राउंड डेटा जो डिसेबल मोबाइल डेटा, ये ऑन नहीं होना चाहिए, ये ऑफ होना चाहिए इस तरह से। ये अगर फेसबुक का इंटरनेट बंद है तो भी ये प्रॉब्लम आ जाता है आपको। तो क्या करना है दोस्तों, पहले ये दो सेटिंग चेक कर लेना है, डिसेबल मोबाइल डेटा ये भी बंद चाहिए, और डिसेबल वाईफाई ये भी ऑफ कर देना। और सिंपल हम लोग बैक जाएंगे, और बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्टोरेज यूज़ का। तो सिंपल हमें क्या करना है, स्टोरेज यूज़ के अंदर इंटर हो जाना है। स्टोरेज यूज़ में जैसे इंटर होंगे दोस्तों, यहाँ से आपको क्लियर कैचा करके ले लेना है। चलिए यहाँ से मैं क्लियर कैचा करता हूँ। क्लियर डाटा मत करना, क्लियर डाटा करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर फेसबुक का पासवर्ड इंटर करना होगा, नहीं पता है अगर आप लोग भूल जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए क्लियर कैचा कर लेना। और सिंपल मैं यहाँ से बैक चलता हूँ। चलिए दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं, ये हो चुका है सेटिंग, और यहाँ पर मैं फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करता हूँ फिर से एक बार, और यहाँ से मैं मैसेज करता हूँ किसी एक को। तो दोस्तों चलिए मैं किसे मैसेज करूँ, यहाँ पर मैं चलो ये देख लेता हूँ, और चलिए यहाँ पर मैं इस फ्रेंड को यहाँ पर मैसेज कर लेता हूँ। चलिए यहाँ से मैं हाय मैसेज भेज रहा हूँ। चलिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये मैसेज चला गया है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं आया है, जैसे कि मैसेज नॉट सेंड का भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं आया है, ये मैसेज चला गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, फेसबुक में मैसेज का प्रॉब्लम आ रहा है तो ये ट्रिक आप लोग जरूर यूज़ कर लीजिए, और आपका प्रॉब्लम यहाँ पर 101% सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो कैसी लगी बता देना कमेंट में, पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।